हम लोग भी जीवन में वृद्ध, रोगी और मृतक को देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाता। क्या कारण है? गौतम भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, उनकी दिशा ही बदल गई, और दिशा ही नहीं दशा भी बदल गई। हमारी दिशा और दशाएं क्यों नहीं बदलती है? हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? कारण सिर्फ एक है कि गौतम की बाहर और भीतर की आंखें, बाहर की दो आंखें चर्मनेत्र और भीतर विवेक और विचार की आंखें। गौतम के बाहर और भीतर की चारों आंखें खुली हुई थी और हमारी चारों आंखें फूटी हुई हैं। फर्क इतना है, हम देख करके भी देख नहीं पाते, जान करके भी जान नहीं पाते, ठोकर खाकर भी जाग नहीं पाते। हमारी मूढ़ता का, हमारे भटकाव का और हमारे दुख का कारण यही है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ऊपर की दो गई हियो की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको का उपाय। जिसके ऊपर के दोनों नेत्र फूट गए हैं, चर्म नेत्रों से दुनिया की स्थिति को देख करके जो जागता नहीं है, और भीतर विवेक विचार के नेत्रों से संसार की असलियत को पहचानता नहीं है, साहब कहते हैं ऐसे आदमी के कल्याण का क्या उपाय है? एक आदमी अंधा होता है, बाहर का अंधा देख नहीं पाता बेचारा, रास्ता चलता है, ठोकर खाता है, लेकिन ठोकर खाकर संभल जाता है। लेकिन हम ऐसे अंधे हैं कि बार बार ठोकर खाकर भी संभल नहीं पाते, वही वही काम करते हैं जिसे बार बार ठोकर लगे। सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस कर देखे, हमारी दशा यही होती है। हम बराबर पढ़ते हैं और कथाकारों द्वारा यह सुनते हैं कि युधिष्ठिर युवा में अपना राजपाट ही नहीं पत्नी तक को हार गए थे, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिसे शिक्षा लेकर के जुआ खेलना छोड़े हैं? ये कहानी तो घर घर में प्रसिद्ध है कि रावण जैसा महाप्रतापशाली वीर योद्धा, प्रकांड पंडित और नाना गुणों से संपन्न लंकाधिराज रावण एक पराई स्त्री में मोह करने के कारण, पराई स्त्री का अपहरण करने के कारण कुल परिवार सहित विनष्ट हो गया। इसे शिक्षा लेकर के कितने लोग जाग पाए? धन राजपाट के अहंकार में पड़कर दुर्योधन ने किसी का समझाना नहीं माना और लड़कर कुल परिवार सहित वह नष्ट हो गया। कौन जाग पाता, कौन इसे शिक्षा लेता है? ऐसी और अनेक घटनाएं हमारे जीवन के सामने रोज रोज घटती रहती हैं। अपने जीवन की भूलों को हम देखें, पूर्व में घटी हुई घटनाओं को देख पाते और उनसे शिक्षा ले पाते, तो क्या हमारी दिशा और दशाएं बदली न हुई होती? बाहर कहाँ जाएं? हमारा जीवन ही वह किताब है जिसे पढ़ करके हम जाग सकते थे, लेकिन अपने जीवन की किताब को हम कहाँ पढ़ पाए? कई ऐसी भूलें हमसे हुई है, गलतियां हुई है, जोश में आकर हमने नहीं कहने योग्य बात कह दी है, नहीं करने योग्य काम कर लिया है, लोभ में पढ़कर, स्वार्थ में पढ़कर, और करने के बाद पेट भरकर पछताए हैं। तो क्या हम उन अपनी बातों से, उन अपने कर्मों से शिक्षा लेते हैं? नहीं ले पाते, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। यह बात तो बार बार कही जाती है, यदि हमारी आंखें खुली होती तो हमारी भूले ही हमारे लिए गुरु बन जाती, बाहर अन्य गुरु की आवश्यकता न पड़ती। बाहर के गुरु तो केवल जगाने का काम करते हैं,
जब तक हमारा भीतर का गुरु नहीं जागेगा और उसके द्वारा हम अपने जीवन के पाठ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक कौन गुरु हमारा उद्धार कर सकता है? कौन गुरु हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें मोक्ष दे सकता है? यद्यपि आज तमाम गुरु ऐसे घूम रहे हैं जो दावा करते हैं मोक्ष देने का, भगवान से मिलाने का और पाप काटने का, लेकिन सारे गुरु या तो धंधेबाज हैं या धोखेबाज हैं। किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है कि किसी के पाप को काट सके, क्योंकि पाप हमारे मन में है और मन का बनाया पाप हमने स्वयं बनाया है। हमने गलत कर्म किया, संस्कार हमारे मन में अंकित हो गए, गुरु हमारे पाप को काटेगा कैसे? सिर्फ प्रेरणा दे सकता है गुरु, सिर्फ रास्ता बता सकता है और स्वयं आचरण में चलकर आदर्श उपस्थित कर सकता है। हमें बदल नहीं सकता पूरा का पूरा, कोई गुरु नहीं बदल सकता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो दूसरे को सर्वथा बदल सका हो। केवल राय दी जा सकती है, बस शिक्षा दी जा सकती, समझाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो प्रश्न होता है, यदि बदला नहीं जा सकता तो यह सत्संग आयोजन क्यों होता है? केवल रास्ता बताने के लिए, अपने अनुभव को कहने के लिए। सत्संग में आपको बदला नहीं जाता, बदलने की प्रेरणा दी जाती है, रास्ता बताया जाता है। चलना या न चलना हमारा और आपका काम है। मैं ये कह रहा था कि जब तक हम स्वयं सुधार की इच्छा न रखें तब तक हमें कोई बदल नहीं सकता। किसी ने आज तक उस आदमी की तकदीर नहीं बदली ना हो जिसे लगन खुद अपने आप को बदलने की, जिसे अपने आप को बदलने की लगन ही नहीं है, जिसके भीतर जागृति ही नहीं है, उसे कौन बदल सकता है? कोई कह सकता है कि मैं तो जाग गया हूं, लेकिन जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब ही है बदलना। साहब ने तो कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जागने का अर्थ क्या है? भागना। कहां से भागना? दुनिया से भागना नहीं, दुनिया से भागकर जाओगे कहां? रहना होगा दुनिया में ही, साधु भी तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया को छोड़कर आखिर जाएगा ही कौन कहां? लेकिन भागने कर दुनिया से नहीं, अपनी गलतियों से, अपनी बुराइयों से, अपने कुकर्मों से। जो इनका त्याग कर देता है, इनसे भाग जाता है, वही तो साधक है, वही तो साधु और वही तो संत है, और दूसरा कौन है? और ऐसा कोई भी आदमी कर सकता है, कठिनाई नहीं है। हमें कठिनाई का अनुभव क्यों होता है? हमारी आदतें हैं, विषयाशक्ति हैं, वे हमें परेशान करती है। हम अपनी आदत को, विषयाशक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, बनाए हमारे ही हैं वे, किसी ने हमारे लिए आदत नहीं बनाई, आसक्ति नहीं बनाई, सुख मान मान कर हमने ही आदत बनाई है। अब हम अपनी आदतों के लाचार हो गए हैं, अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं। चाहें तो धीरे धीरे अपनी आसक्तियों का त्याग भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि जब आदमी एक बारगी जाग जाता है, ठोकर लगती है और एक बार में वह जाग जाता है। भर्तृहरि का उदाहरण इसी प्रसंग में ही याद आता है। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला में कितना आसक्त था, अत्यंत आसक्त, और पिंगला भर्तृहरि जैसे गुण संपन्न राजा को छोड़कर घोड़ा दरोगा में आ सकती थी। भर्तृहरि को उसके छोटे भाई विवेक विक्रमादित्य ने कहा था, भैया भाभी का आचरण सही नहीं है। लेकिन भर्तृहरि ने माना नहीं, जाकर पिंगला से कह दिया।
और पिंगला रुष्ट होकर के विक्रमादित्य को ही राज्य से निकलवा दिया। लेकिन जब उसका चरित्र उजागर हुआ और सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई, उसकी पोल पट्टी खुल गई, तो भर्तृहरि उसी समय जाग गए और विशाल राज्य को छोड़कर विरक्त हो गए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए और घर द्वार छोड़कर साधु आश्रम में चले जाइए। पिनक में आकर साधु घर द्वार छोड़ देना और साधु आश्रम में चले जाना कोई लाभदायक नहीं होगा। फिर वहां जाओगे तो वहां भी पश्चाताप ही करोगे। जहां पर हैं वहीं पर जागे, वहीं पर रह करके काम करें, घर में रहें, जिम्मेदारी संभालें, लेकिन मोह में न डूबें, आसक्ति में न डूबें। काम तो करना पड़ेगा आदमी को, काम कहां नहीं करना पड़ता। इसी आश्रम में हम रहते हैं, 8-10 घंटा काम करते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा, अपने अपने ढंग का काम है। लेकिन काम करते हुए यह देखें कि मेरा मन कहीं उलझ तो नहीं रहा है, कहीं फंस तो नहीं रहा है। ये मन का उलझना और फंसना यही तो बंधन का कारण बनता है। और मन कहीं उलझा नहीं, मन कहीं फंसा नहीं, मोहासक्त नहीं हुआ, वासनासक्त नहीं हुआ, तो आप जहां पर हैं वहीं पर रहकर कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और यदि पिनक में आकर कोई प्रतिकूलता हुई, घर वालों ने कुछ डांट दिया, घर वालों से झगड़ा हो गया और उससे जोश में आकर घर द्वार छोड़ दिए, चले गए जंगल में, कुछ दिनों के पश्चात जब जोश उतरा और तब घर की याद आई, तो अब न तो जंगल में रहते बनता है और ना लिहाजवत घर में लौटते बनता है। तो फिर दोनों दिन से गए पाड़े हलवा हुए, ना मारे वाली दशा हुई। वस्तुतः त्याग संसार का नहीं करना है, त्याग करना है संसार की आसक्ति का। इसीलिए कहा गया है, का भय बन को गए मन से मिटी न राग, त्याग वासना के किए घर ही में बैराग। जंगल में चले गए, आज जंगल नहीं कर कर कह कर आप साधु आश्रम कह लीजिए, आश्रम में चले गए, गुरु जी की शरण में चले गए। लेकिन गुरु की शरण में रहते हुए भी मन मायासक्त बना हुआ है, विषयों का लोलुप बना हुआ है और बार बार उसी तरफ भागा जा रहा है, तो गुरु की शरण में रहने का से, आश्रम में रहने से लाभ कुछ नहीं होने वाला है। उतना ही आप बंधन में बने रहेंगे जितने घर में बंधे हुए थे, बल्कि उससे अधिक बंधन बन जाएगा। और घर में रहते हुए यदि आप वासना का त्याग करते हैं, जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते हैं, पालन करते हैं, वासना का त्याग करते हैं, तो वहीं पर रह करके मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि ये मानना पड़ेगा कि गृहस्थी का जंजाल कुछ ऐसा है कि बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि गृहस्थी का निर्माण कहाँ से हुआ है? गृहस्थी का निर्माण हुआ है वासना से। बिना वासना के गृहस्थी का निर्माण नहीं हो सकता। और वहां रह करके वासना का त्याग कठिन है, असंभव नहीं है। चाहे तो आप वहां भी कर सकते हैं, कठिन जरूर है। खास बात तो यह है कि अपने बंधन और मोक्ष दोनों का कारण हम स्वयं बनते हैं। न कोई हमें बांधता है और न कोई हमें छुड़ाता है। बाहर के लोग सिर्फ प्रेरणा करने वाले होते हैं। हम चाहते क्या हैं? बंधना या छूटना, सुख या दुख। एक बार लक्ष्य तय कर लें और लक्ष्य तय करने के बाद दृढ़ मन से उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दे, कोई संदेह ही नहीं है कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लेकिन आधे अधूरे मन से हम काम करते हैं, आधा मन बटा हुआ है, लगा हुआ है संसार की तरफ, और आधा मन
बटा हुआ है ज्ञान की तरफ, गुरु की तरफ, साधना की तरफ, तो न संसार का काम सही ढंग से हो पाता है और न ही फिर साधना का काम सही ढंग से हो पाता है। किसी भी चित्त में, किसी भी दिशा में यदि दो तरफा बटे हुए मन से आप काम करते हैं तो दिशा में वांछित सफलता नहीं मिलेगी आपको। जिस दिशा में लगना है पूर्ण समर्पित होकर के लगिए, पूर्ण समर्पण के बिना सफलता आपका वरण नहीं कर सकती। सफलता हर दिशा में चाहिए, खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, संगीत हो, कला कौशल हो, काव्य हो, लेखन लिखन हो, वाक् प्रवचन कला हो, या अन्य जितनी कलाएं हैं, कोई भी कला ऐसी नहीं है जिसमें समर्पण के बिना सफलता मिले। इसी प्रकार कल्याण की बात है, मोक्ष की बात है, बंधन निवृत्ति की बात है, यहां भी पूर्ण सफलता की पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। और हमारा मन थोड़े में तो संसार की तरफ देखता है और थोड़े में आध्यात्मिक की तरफ देखता है, साधना की तरफ देखता है, तो ऐसा दो चित्ता मन सफल कैसे होगा? इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर, तुम्हारे ऐसे चित्त पर धिक्कार है जो है तो चित्त एक लेकिन लगा हुआ है दो जगहों पर, तो कैसे सफलता मिले? और यह भी समझना होगा, कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि पूर्ण समर्पण के बाद भी भौतिक क्षेत्र में पूरी सफलता न मिले, क्योंकि भौतिक क्षेत्रों की सफलता प्राणी और पदार्थों पर आधारित है। कोई भी भौतिक सफलता प्राणी और पदार्थ के संयोग के बिना हो नहीं सकती। बाहर की परिस्थितियां कुछ ऐसी आ सकती हैं कि आपकी सफलता में बाधा पड़ जाए, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में बाहरी कोई परिस्थिति बाधक नहीं बनती। बाहरी कोई प्राणी बाधक नहीं बनता, कोई पदार्थ बाधक नहीं बनता। यदि बाधक है तो हमारा मुंह, यदि बाधक है तो हमारी कायरता, हमारा दुचित्तापना और हमारा संदेह। इस क्षेत्र में आप अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ण समर्पित होकर के लग जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये कल्याण, ये मोक्ष, ये पूर्ण दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्त एक ऐसी दशा है जिसके लिए मानव मात्र परम स्वतंत्र है। इसके लिए न बहुत धन चाहिए, बहुत धन का कुछ भी धन नहीं चाहिए। कल्याण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, पद की आवश्यकता नहीं है, बहुत विद्या की आवश्यकता नहीं है और बहुत मान प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कल्याण करने में उतना ही स्वतंत्र है जितना धनवान और विद्वान व्यक्ति, लेकिन यही काम आदमी नहीं कर पाता। जो उसके सर्वथा बस में है, जो बस में नहीं है उस संसार को वो अपने बस में करना चाहता है, पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पर नजाना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? आवश्यकता है हम बाहर न भटके, बाहर न दौड़े, किंतु अपने आप को समझें और अपने आप को समझकर साथ साथ अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को जानकर उनका त्याग करें और कल्याण की दिशा में अग्रसर हो जाएं, समर्पित हो जाएं, निश्चित सफलता मिलेगी। तो मैंने शुरू किया था कि एक आदमी बाहर का अंधा होता है और एक आदमी भीतर का अंधा होता है। हम सब बाहर भीतर दोनों के अंधे हैं और इसीलिए बार बार ठोकर खाने के बाद हजारों साल से संत गुरु ऋषि मुनि समझाते आ रहे हैं, उनके समझाने के बाद हम जाग नहीं पा रहे हैं, जहां के तहां बैठे हुए हैं।
अपने इस अंधापा को दूर करने की चेष्टा कितने लोगों में है। हमारे विवेक नेत्रों पर जो अज्ञान का विषय वासनाओं का जो माड़ा छा गया है उसे दूर करने की चेष्टा कितने लोगों में है, बिरले बिरले में है। उन्हीं बिरले को हम जिज्ञासु साधक कहते हैं और उसमें हमारा भी नंबर हो सकता है। इसलिए हम जागें और जाग करके अपनी गलतियों का त्याग करें और अपने कल्याण के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो इसी जीवन में हम परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं।